किसी देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अगर सजाए मौत दी जाए तो ये अपने आप में एक सनसनीखेज खबर होगी। जी हाँ, ऐसा ही मामला चीन से आया है। चीन ने एक हाई प्रोफाइल केस में बैंक के पूर्व अधिकारी को मौत की सजा दे दी है। 58 साल के शख्स लाई शाओमिन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। इसके बावजूद न्यायपालिका ने देश से भ्रष्टाचार मिटाने और लोगों के बीच घुसखोरी को लेकर दहशत पैदा करने के लिए इस बैंकर को मौत दे दी है। जांच के दौरान शाओमिन के पेंचिंग स्थित अपार्टमेंट से भारी मात्रा में पैसे भी बरामद हुए थे। शाओमिन को चीनी कोर्ट ने 5 जनवरी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 29 जनवरी को उसे मौत दे दी गई। चीनी मीडिया ने अभी तक ये नहीं बताया है कि इस बैंकर को मौत देने के लिए किस तरीके को चुना गया था। चीन में मौत की सजा देने के लिए आधिकारिक तौर पर फांसी या जहर वाला इंजेक्शन दिया जाता है। चीन के इस बैंकर के ऊपर 2008 से लेकर 2018 के बीच लगभग 2026 करोड़ रुपए की घुसखोरी का आरोप लगा था। चीन के तियानजिन पीपुल्स कोर्ट ने 5 जनवरी को बैंकर को दोषी मानते हुए मौत की सजा का ऐलान किया था, जिसके बाद चीन की सुप्रीम कोर्ट ने भी शाओमिन की फांसी की सजा को रिव्यू किया, लेकिन सबूतों को देखते हुए बैंकर की मौत की सजा बरकरार रखी गई। इस बैंकर ने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़कर नया परिवार भी बसा लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर भी फैसला सुनाते हुए किसी और महिला के साथ रहने का दोषी पाया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि चीन में घुसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कितने कड़े कानून बने हैं।